नमस्कार, कार्यक्रम संस्कृति सरोवर में आपकी स्वागत बा। बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन पर कार्यक्रम संस्कृति सरोवर लेके आगे ली रात ऐसे कैमरा पर्सन नरेश के साथ में कार्यक्रम संस्कृति सरोवर आपके अपने कार्यक्रम हो जिमे हमारे समाज में रहा विकृति विसंगति हटाए के तमाने विषय समय बीस कल जत कि हमारे अपन जीवन में कैसे सफलता प्राप्त कर सके के इस संबंध में हमारे चर्चा कल जत। आज हमारे बातचीत कल जी आज हम लोग अतिथि बाटे हमारे आज न्योता दल गल बा एक समाज से भी कृष्णा चौधरी हमारे वहाँ से आज बातचीत कर जी कि हमन की समाज की विकृति का बा ये हमन की समाज की विकृति कैसे हटा सके कर संबंध मेरे जानकार लाल जी अति कार्यक्रम में आपकी स्वागत बा। धन्यवाद। अति वैसे हमन की समाज में तमाने विकृति बा आज हमारे कहा जी कि आज हमारे कंप्यूटर के चिन्हल जात आज 21वीं शताब्दी ते वैसे हमारे एक तरफ देखा जी जो हमन के पहले और आज के तुलना में आज के नए पीढ़ी बा जो जागर के साथ है एक क्वालिफाइड बाटे हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकली बाटे बकिन का यदि लौट के हमरे देखा जा हमने की समाज के विकृति जो कहते हैं बा अति जिससे हमरे कहा जा कि समाज की विकृति पहले और आज के तुलना में कुछ फर्क बा कि कहा जा बकिन का और बढ़ते जात बा शैक्षिक गुणस्तर संग्री जिससे हमारे कहा जा बाल विवाह पहले और आज के तुलना में घटल बा बकिन का एक साथ में जाके दूसरा जो हमारे कहा जी दहेज प्रथा बढ़ते जात बा ती तमाने विकृति विसंगति के दौरान में जो हमारे दहेज प्रथा कहा जी ते काहे आज तक ये हटक नहीं सकले भाई आप समाज से भी रह गए बा इमें का कह सकाल जी थे अब विकृति विसंगत कहल के ते अब हम समाज से उत्पन्न भेल के हो बाल विवाह चाहे पहले से आजकल ज्यादा हट गए बा काहे कि पहले अनपढ़ रहा नहीं पढ़त रहा समाज में पढ़ना कम रहे कोनो कोनो पढ़त रहा वही से बाल विवाह कहत रहा कि बाल विवाह करे तो हमन के धर्म हो भागवत के तरह पुण्य पाक उ मारे पुण्य कमा के मारे करत रहा अब चाहे ऊ हट गए बा ऊ हट गए बा दांत जहे पर थे ऊहो एक तरफ से हटैले बाटा एक तरफ से चाहे देत बाटा अब का सोच के दिल कि अब हमार बिटिया दमाद पढ़ल लिखल पहले ही जागिर करी बिटिया के लेहे आई कह के सवारी साधन रही तो हाली से ही हाली से ही कह के ऊ किस्म के सोच के देत बाटा अब कौनो अपन खुशी से देता कौनो कहता ऊ देहल ते हमहू दीहें परी कह के कर से देत बाटा। हाँ तो वैसे कहा हमारे ये दहेज प्रथा के बातचीत कर जाता जोन के हमारे दक्षिणी भेग से भीतर लेठू को प्रथा हमारे कह सकल जी ते जिसे पहले और आज के तुलना में हमारे कहा जाती हटल बा बकिन का जिसे पहले जो भड़िया बर्तन ढेर देते रहने बकिन का आजकल हमारे देखा जीते सीधे केस देख चलन बा और साथ में जाके हमारे बाइक ते ये केकर खास गलती माने सके कमरे जिसे देह वाला कि लेह वाला जिसे देह वाले कहने की देत बाटे ओकरे मांगन बाटे हमरे धर जाता कहके ते खास एमा केकर गलती देखल जाते गलती दोनों तरफ से बा जैसे कि देह वाला जो अगर देह सोची तो कही हम अपन बिटिया देत बाटे तो देह वाला सोची तो लेह वाला सोचक चाहे कि आप सब उ देहल जाता उ ना देहल जा हमें ना चाहे हम कमा के लेह सकब उ कह सकत है तो और बढ़िया बात रहे बकिर उहो भीतर लेहे वाला जेबा उहो भीतर भीतर सोचला पालब ते हमारे एक ठू खर्चा से बच जा कह के उहो नहीं बोला आ देह वाला ये सोचला समाज देते आयल बा जकर घरे बात देते आतबा देत आतबा तो सोचला कि उ ओकर एक बिटिया रहे उ देहल अगर हम नहीं देब तो मने हमे का कहे तो आजकल अभिन पनी समाज के डेर बा दूसरे देखा सीखी से हाँ देखा सीखी अब जैसे कि उ देहल तो हमहू देह के परी कह के सोच मन में धारणा कराना अब जेकर बात है देत बात है ठीक है बा ओकर ते अब समुंदर में से एक लोटा जल निकारी ते कुछ फर्क नहीं पड़ी बकिर जेकर नहीं बा ओकर ते समस्या आ जाला रिंधन काट के भाई पनी कही कि नहीं ऊ दे हल ते हमरो अब तनी दे देती ते हमरो नाम रोशन होत समाज में हमार नाम आगे रहत फलाने पनी अपन बिटिया के देहल कह के एकर पीछे भागत बाटा मने। हां ते ओइसे हमरे कहल जी कि जो ना आप एक समाज से भी रह गेल बा कितना जने कहने कि अपन बिटिया के दांत दहेज दहले पर एक तो सुख काट सके ओकर बढ़िया हो सके ते आप के अनुभव में कैसन पाल गेल बा जिसे दे दहेज देता वो का सुख चैन से अपन जीवन बिता सकले बा उते सुख चैन पाए वाला तो दहेज नहीं पाए तब सुख चैन बा करते बाकी ढेर जना ऐसन बा लालच के बा अगर जो जे इतना लेके गेल तो ऊ घरक मने ठीक नहीं रही तो हमन ते अब जहाँ ढेर शिक्षित परिवार बाटा समाज बढ़िया बा तहाँ ते नहीं लागू बा उकुल कहला आयल बा बढ़िया घर के हो लेकिन जहाँ अभी तक कोनो कुना काचा में कोनो ऐसा ठाव हो वहाँ दहेज नहीं लेने के कारण पनी वहाँ
चली बेटी दुख में परल बाटा ओखन के यातना पीड़ा देत बाटा अभी तक इस समाज में कोनो कहरो कहरो अब ठाव तो हम बता नहीं सका बाकी ढेर जगह हमन समाज ऐसा ही बात अति हमरे एक तरफ सोचल जा जो नीठू दान दहेज के देख चलन बा हमने के शादी ब्याह में अते अक्सर काल जा हमरे लड़की लड़का से जो न शादी हो के एक ठू हमन के ब्याह ते मनई से हुई धन से ते ब्याह नहीं हुई बकिन का सरासर हुई से हमरे एक ठू दिमाग लगा जा सोचल जा ते सरासरी जो न आधुनिक जमाना बा एकदम ही धन से ब्याह बा कल के मतलब कि धन रही ते शादी नहीं हो पाई हाँ ते वैसे हमारे के जो है लड़की लड़का बाटी है जिसे अब ओखन के जीवन स्तर ते धन से नहीं हो सकी जिसे अब ओखन के दाम्पत्य जीवन सफल बनाने के लिए धन दौलत माध्यम भर हो बाकी का जिसे लड़की और लड़का के जो है विचार बढ़िया रही पढ़ल लिखल रही है कौन भी शिक्षा प्राप्त कर सकले रही है सीख रही ते अपन जीवन बढ़िया बना सकी है बाकी का जे जौन धन दौलत कहा से हमारे दहेज लेख चलन बा ते अब ये कैसे हमरे हटा सके कि ओखन के जो दाम्पत्य जीवन में सफल हो सके हमन के हटाना एक ठो लक्ष्य हम का देखा थे कि जैसे अपन हो सके ते चाहे बिटिया हो चाहे बेटवा हो हाँ। दान दहेज ना देके ओखन के शिक्षा आगे बढ़ाए ओखन के पढ़ना सिखाए ओखन के सिप अब कथी कौन टेक्नीशियन पढ़ी ऊ हाँ। पढ़ना सिखा दे कि अथवा अब बिटिया के हमरे कहल जे कि ला बेटी तो के हमरे दहेज हमरे तो के शिक्षा दे जाता तू कौनो टेक्नीशियन लाइन पर तो के हमरे पूरा कोर्स पढ़ाल जाए अगर वो टेक्नीशियन वो पढ़ ले अथवा ओकर लड़का जैसन मिली वो टेक्नीशियन पढ़ल रही तो हमन के ओखन के दान दहेज देह का आवश्यकता नहीं पड़ी कहस कि ओकरे पढ़ले रही तो ओकरे खुद अपने कमा सकें अपन पैर पर खड़ा हो सकें तो हमन के देह का आवश्यकता नहीं पड़ी वही से दान दहेज देह से पहले हमरे अपन बिटिया बेटवा पढ़ाल जाए तो ओकरे अपने कमा खा सके ते ऐसे आजकल अब देखल जाते जो हमन के बेटवा से बिटिया ढेर पढ़त बाटे जी जेकर हो अब जैसे बेटो बिटिया के तुलना कर जते लड़की के लड़का के तुलना में लड़की ढेर आगे बढ़ गई बाटे पहले जैसे अब फ्री नहीं रहने बकिन का आज बाप महतारी से अधिकार पहले बाटे थे लड़की भी लड़का के तुलना में आगे बाटे ते वैसे कौनों के घरे देखा जाते हमरे कौनों लड़की पढ़ ले ढेर बा या कौनों सिर्फ सीख ले बा बकिन का उहे लड़की के जो शादी जब हो लगी ते लड़का भी आजकल देख के शादी कराने बकिन का उस समय भी ओके भी सोचे का आवश्यक बा कि अब हमारे ब्याह ते इतना बढ़िया लड़की से होता कहके ते वो भी सोचे का आवश्यक बा कि नहीं बा कहे कि ओके ढेर सोचे चाहे कि हमसे ज़्यादा अगर वो पढ़ ले बा तो अब हमन समाज में यह एक ठू का कमी बा कि कहीं लड़की ढेर पढ़ ले बा हमें दबा के धरी उसे ब्याह नहीं करे चाहे हम अगर 12 पढ़ले हैं तो लड़की 10 पढ़ल रहे ये गलत सोच हो अगर जो भाग्य में जोड़ ले बा तो हम 10 पढ़ले हैं तो कैसे लड़की अगर जो 12-13 पढ़ल एमबीए कैल बा कोनो नौकरी करता कहूँ जॉब करत बा उसे फर्क नहीं पड़े चाहे कहे कि ओके अगर देह आ गए ना जो लड़की कह दे हम शादी करब तो ओके पीछे नहीं हटे चाहे अगर लड़का कोनो ढेर पढ़ ले बा लड़की थोड़े पढ़ ले बा तो हमार बराबर ई लेवल के नहीं बा हम एक लेवल में नहीं बाटे ई लड़की हमें नहीं चाहे वो लड़कों के नहीं सोचे चाहे कहस कि वो पढ़ ले बा तो वो पढ़ा दे हम यही देख लिए अपन आँखें से देख ले हैं अभी तक देखते हैं जनते बाटे ना खोले के नहीं भेल हमने में हमारे समाज में के एक जन लेडीज SLC कैला पास नहीं भैला उनकर पति इंडिया से पास करा के अब वो हेल्थ असिस्टेंट पढ़ला अथवा NM कैला हेल्थ पोस्ट में जागिर करत बाटा उनकर श्रीमान मास्टर होला वो कब्बो नहीं सोचला कि ई नर्स हो हम मास्टर होली ओकरे भले चंगा एक गरीब गुरुआ ओकर सोरा धुर जगह रहे कहस कि ओखन के पति पत्नी के मेल मिलाप हो गल नी पत्नी थोड़े पढ़ले रहे पति जागिरे रहे ओखन के दाम्पत्य जीवन सफल बा सफल हो गल 12-13 धुर जगह कहल के ओकरे आज कमा के एक बिघा के मालिक 2.5 टल्ला फ्लैट के घर आते ही हमरे एक टू प्रसंग जोड़ा जिसे अब कहल जा कि कोनो घर के जो लड़की रहते दूसर घर के पतो होते बनबे करी या कोनो घर के पतो रहते कोनो घर के लड़की ते बिटिया बहन ते होबे करे ते जिसे अब लड़की आजकल देखा जाता पहले और आज की तुलना में क्वालिफाइड बाटे हैं बढ़िया बाटे हैं आजकल हमारे जिसे लड़का आजकल ढूंढे के मुश्किल बा नहीं मिला ला बाकी लड़की ते जैसा मिला ला बढ़िया बढ़िया लड़की मिलत बाटे हैं शादी ब्याह करके आती बाकी इनका जिसे कोनो भी लड़की के जिसे क्वालिफाइड बिटिया बहन बाटे ओखन के शादी ब्याह जब हो जाए ते नैहर में ते ओके कितना लाखों पैसा खर्च करके पढ़ ले बाटे या कोनो सीख सीख ले बाटे जब ओखन के मर्द यदि अनपढ़ पड़ जाए ते वो ओखर के भावना ना बुझ के ओखन के जीवन भी बेकार हो जाते आ दूसर बात जैसे ओखने के मर्द कितनों बढ़िया रहे या ना रहे बकिन का समाज में घुलमिल हो नहीं सकलें ते कितना जने कहना कि
पुरुष महिला लोगन के आगे बढ़ाए नहीं देने कहिए ते आपके विचार में आपके जो अनुभव बा का कह साल जी कि सही पुरुष का महिला के सफलता के बाधक होने कि महिला भी ओखन के बाधक बन सकने नहीं पुरुष का वो बाधक नहीं बनही पुरुष अच्छा इतना बा कि हमन के समाज में कोनो पुरुष ऐसा बाटा कि बाहर के दुनिया नहीं देखले हाँ तो ओकरे का करे महिला बाहर जाता कह के वो रोक लगाना बकिर इतना भी रोक नहीं लगाना कि महिला आगे ना बढ़े ओकरे चाहला महिला आगे बढ़े बकिर हमन समाज में का बा कि महिला दीदी बहनी अगर जो एक ठू आगे बा टैलेंट बा आगे चल गेला ऊपर ओकर पहुँच हो गेला तो वो चाहला कि हमसे आगे कोई ना जाए ताकि हमें सबके हमारी एक पूछे आने ना पूछे यही से पुरुष नहीं तानाला महिला नीचे गिरा चाहला महिला नहीं चाहला कि औरो दीदी बहनी हमन लेवल में आए हम जितना रही कि हम ही भर आगे रही वह सोचाना पुरुष का कम कमजोरी नहीं दिखाता कि पुरुष पीछे पार देला महिला के पुरुष ठाव देत बाटे बकिर महिला घुसे नहीं देत बाटे हां जैसे अपन कोनो संक्षिप्त बात भी कहि की जिसे आजकल होत की हमन के महिला लोगन की भी सहभागिता आवश्यक बा कह के कोनो संस्था रही ते महिला लोगन की भी एकठो ओखन के जितना हो सके सहभागी कराने बकिन का वही के महिला लोगन गोरतानिक प्रवृत्ति बा ती हमन की अब ई कैसे हमरे हटा सकते अब ई प्रथा हटाते अब सोच गलत के हटाते ये बाकी सबके मन में बराबर हो चाहे अब महिलान के ये हो चाहे कि हम आगे जात बाटे तो हमार साथ में कोनो एक दुई सपोर्टर आ जाए साथ में दोनों जन रहल जाए तो दोनों जन के सपोर्ट हो कह के दुई जन बढ़ाई तीन जन बढ़ाई ओके सोचे का आवश्यकता सोचे का आवश्यकता बा वो अगर जो जो महिला आगे गेल बा उत्तर ना ढकाल के उ सोचे कि हम एक अपने बराबर लिया नहीं तो हमारो सपोर्ट हो कह के सोचही तो हमन के महिला दीदी बहनी पुरुष बराबर आ सकल ते हमन के समाज में जो ना महिला लोगन महिला के गोर तानत बाटी ई का बात सत्य हो सत्य हो हाँ ते हमारे कहा जात कि लोहा काटे के लिए लोहे परे करे परी दूसर चीज से नहीं कटाई ते हमारे जो समाज में अब पुरुष बाटे पुरुष के गोर ताना ने महिला बाटे महिला गोर ताना ने या कोनो भी क्षेत्र में कोनो भी व्यक्ति काम करत बा ते वही क्षेत्र के मनाई ओकर गोर ताने के परिमिति बा ते हमारे की समाज में जो महिला लोगन आगे ना बढ़ पाव कह के जो एक महिला लोगन महिले के हमारे सोचल जाते गोर तानत बाटे ते जो महिला लोगन महिले के गोर तानत बाटे ओखन के कौन चीज संदेश देख चाहल जी ओखन के यह संदेश देख चाहत ही कि अगर जो जे आगे हो गए ढेर जान ले बा ते अपनी से तारे के महिलान के दीदी बहनी के ऐसे सामूहिक बैठक बैठा के ला हम ऐसा ऐसा करत बाटी हम इतना ऊपर आ गईली तोहरे हमार संगरी आवा दो चार दिन बैठा हमार संगरी बैठक बैठा छल पल कल जा हमरा हमार बराबर तोहर हुन सिखा हमार बात तोहर उनको पाला आई हम आगे अध्यक्ष भइल बाटी ते तोहरे सदस्य सम्मा आवा हम कोष में पुगल ही ते तोहरे सचिव सम्मा आवा कह के उ जे आगे बढ़ल बा ओकर सोच में ई सब आई ते महिला दीदी बराबर हो सके हाँ ते ओइसे हमन के जोन समाज में देखल जाते अब कोनो भी लड़की रहे ते हमरे दूसर फ्री पर्सन जोड़े चाहल जात बा अब महिला के अधिकार के बारे में ते आज जिससे पतो बा बयान के जाके शास्त्री बनी या आज बेटी हो बयान ते पतो बन भी करी ई ते हमन के अब जिसे एटु प्रकृति के नियम बा ते जिसे आज के जोन बेटी बा दूसर घर के पतो बन जी बयान के जाके सास बनी कौनो के महतारी हो सके ते उहे जोन कौनो घर के लड़की बा जोन पतो बनल बा और बयान के जाके जिसे अब पतो बनत समय में दान दहेज कम पाइल या बेसी पाइल बकिन का जब सास बन जाए ते हमरे का देखे पाल जब कि जो है जब शादी ब्याह हो लगी ते वे सास से जो है ससुर बाटे ससुर से ज़्यादा आवश्यकता जो दहेज के बा सास महसूस करने कि हमार बिटिया देत के ते ओकरे कुछ नहीं कहिए कि कम देख पड़े तब के सोचिए अपन खुशी से दही है बकिन का जब पतो भितराए ही हैं जो दिन ते ओकरे नाक खुमचाने कि हमार पतोहिया आज इतने दहेज लन ले बाकी के ते ओखान के कौन चीज़ कह चाहल जीते ओखान के सोच बहुत गलत हो ई सोच के चाहे कि जब हमन के वो जब बिटिया देहल उ मनई तो हमन के करोड़ों संपत्ति तो हमन के बिटिया दे के देहल तो उससे ज़्यादा संपत्ति हमन के का चाहे संपत्ति तो हाथ एक मैल हो कब्बो नहीं सोच के चाहे कि आज हम दान दहेज नहीं पैली अगर जो हम दे दहली तो हमार खुशी रहे हम दहली हम नहीं पैली तो ओकर कमजोरी रहे नहीं देहल उ सोच के चाहे इना कि हम दहली तो हमहूँ पैले जरूरी बा जब हम दे हमार देहक विचार भले हम दहली हम ना हमार भाग्य में नहीं रहे हम नहीं पैली कौन बाप महतारी ऐसा बा कि अपन बिटिया के कुछ ना देहक चाहे चाहे देह जे देहक चाहे बकिर ओकहन के समस्या बुझे चाहे नहीं देहल ते करोड़ों संपत्ति ते बिटिया दे देहल जो ताकि हमन घर बस जाए हमन वंश आगे जाए यही से कौनो ऐसा समाज में
कोनो इष्ट मित्र दाजू भाई दीदी बहनी बाटा ई सब कब्बो नै सोचे कि आज के हम पतो पहिली त हम दहेज नै पहिली कब्बो नै सोचे चाहे इहे सोचे चाहे कि जन बाप महतारी जन्मैला बिटिया तो कितना संपत्ति जन्मैला लक्ष्मी देहला हमन के त हम दूसर दहेज में कौन आ सकल जा ई गलत जब ई सब सोच लेही महतारी बाप कि आज हमें बेटवा देहली त हम बिटिया पहिली त हमार घर के लक्ष्मी आइल बा एसे ज्यादा लक्ष्मी नै चाहे कहके अगर सोच मन में सोच लनही त दहेज प्रथा एकदम समाज से हट जाए। हां ते हमन के समाज में दुई तरीके माने हमरे फेल पारल जाए जिसे अब एक तरफ कहल जी कि जो ने अब हम अपन बिटिया के नै पढ़ा लिखा दे बल्कि हम दहेज देब ते दू चार जोन माने ही हमर दुआरी पर खाना खाए भोजभते रहते देखिए इतना ढेर दहेज डाले बाकी के ना चला के लिए आ दूसरा थारी मन जो मन बाटे हैं कि हम अपन बिटिया के दहेज देते एक दो दिन में राजी हाथ के मैल हो बकिन का यदि वह पैसे से हम पढ़ा लिखा देव तो भविष्य उज्जवल हो सकी अते आप कौन थारी के मन के प्राथमिकता दल जी हम तो ज्यादा पढ़ाई बिटिया के प्राप्ति में देव कहे कि वो पढ़ा दहल तो वो बिटिया जिंदगी भर के लिए हो गए जब दान दहेज दहल अब बाइक दे तब वो बिगड़बे करी अब फ्री दरा दी तब वो बिगड़बे करी और वैसा मेटेरियल दी तब वो बिगड़बे करी जिंदगी भर तो नहीं रही तर शिक्षा देहल चाहनी शिक्षा सीप गुण जिंदगी भर साथ रही इससे जो शिक्षा देह लेबा ओके हम ज्यादा पड़ा था आते आप अपन अमूल्य समय देहल के लिए रखते हैं आपके रीति से धन्यवाद देख चल जात बा धन्यवाद हमारे बुद्धा टेलीविजन के आज की हमके इलाक समझल गेल हमें बुद्धा टेलीविजन में आके हम अवसर पैली आगे आगे पनी अब बढ़िया हो तो हमें फिर से बुलाएल जाए फिर आक आशा राखब अहे बस समाज हमन समाज में यह ठू निवेदन कर चाहत बाटी कि अब सर्वप्रथम तो हमन महिला दीदी बहनी आगे बढ़त बाटा हमन उकतानल जा हमारे ऊपर जाए आप सबके बराबर जा सकल जाए आ दूसर बात अई समाज से जो दाइज प्रथा बा दहेज लेन देन के वाला देखा देखी ना कह के कि अपन समस्या अपन समाधान कैसे हो कह के उ हिसाब से चलल जाए बिटिया बेटवन के ब्याह करे से पहले बिटिया बेटवा पढ़ा के शिक्षा भरपूर दे के ब्याह कल जाए तो हम उनके दान दे का आवश्यकता नहीं पड़ी यही से इतने कहा था हमारे आज के यहाँ बैठल कार्यक्रम टुंगाद बाटी धन्यवाद। हाँ तो वैसे हमारे देखल गए कार्यक्रम संस्कृति सरोवर जो कि आज के हमन के अतिथि रहने कृष्णनाथ चौधरी एक समाजसेवी जो कि हमन के महिला अधिकार एक तरफ हमारे जोन हनन हो कह के कहा जात बकिन का वास्तव में हमरे देखा जीते जोन कहानी कि पुरुष महिला के गोर ताना ने बकिन का हमरे एक ठू अनुसंधान कल जीते महिला के गोर महिला तान बाटी और हमरे हमन की समाज के विकृति कैसे हटा सके कर संबंध में चर्चा करते आपसे विदा लेक समय हो गई बा अति हमन के आज के अतिथि कृष्णा चौधरी के फिर से धन्यवाद दैसने आप देखल गए कार्यक्रम संस्कृत सरोवर एकल कति भी आपके हृदय से धन्यवाद दैसने हमन के कैमरा पर्सन नरेश सोनू के विशेष धन्यवाद दे आप देखते रहिए बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन कहते राजवी विदा होत बाटी नमस्ते।